विवादों में आई बॉलीवुड की एक और फिल्म, जिस पर जम्मू कश्मीर के सिनेमा घरों में रिलीज पर रोक लगा दी गई है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज की जाने वाली थी, जो कि जम्मू कश्मीर की सच्चाई पर बनी फिल्म थी। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा? हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। फिल्म के रिलीज न किए जाने पर लोगों का गुस्सा आक्रोश में बदल गया और वह इस फिल्म के रिलीज होने की मांग करने लगे। सूत्रों की माने तो कश्मीर की एक कोर्ट ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगा दी और कोर्ट ने फिल्म के मेकर को यह आदेश दिया है कि इस फिल्म में IAF स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के जो सीन है उन्हें हटा दिया जाए। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में शहीद हुए 4 वायुसेना जवानों में से एक थे। रवि खन्ना की पत्नी निर्मला ने अदालत में यह दावा किया है कि फिल्म में उनके पति के साथ जिन घटनाओं को दिखाया गया है वह सही नहीं है और अदालत से मांग की है कि उन सीन को फिल्म से हटा दिया जाए या उनमें बदलाव किया जाए। अब देखना होगा कि फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म में क्या बड़ा बदलाव करते हैं।